गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ओके, इससे पहले में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं किडनी कैसे अपना रोल प्ले कर रही है टू मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन या फिर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। क्लियर। सबसे पहले मेनली दो सिचुएशन है, जब क्या तो कोई पर्सन ज्यादा वॉटर इनटेक कर रहा हो या फिर किसी पर्सन है उसमें वॉटर इनटेक क्या है कम है, मीन्स की डिहाइड्रेशन यदि वहां पे ज्यादा हो रहा है तो उस पर्सन में वॉटर है उसकी क्या होगी, डेफिशिएंसी। क्लियर। तो मेनली दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन हमने क्या बताया, जब कोई पर्सन है वो ज्यादा इनटेक कर रहा है वॉटर का तो कैसे किडनी रिमूव करेगी एक्सेस ऑफ द वॉटर। क्लियर। ज्यादा वॉटर होगा तो किडनी क्या करेगी, रिमूव करेगी एक्सेस ऑफ द वॉटर को, तो जो यूरिन है वो कैसा होगा, हाइपोटोनिक। किडनी रिमूव एक्सेस ऑफ द वॉटर, एक्सेस ऑफ वॉटर। क्लियर। तो यहां पे जो यूरिन है वो कैसा होगा, हाइपोटोनिक, बिकम हाइपोटोनिक। क्लियर। बट किडनी है कैसे रिमूव कर रही है एक्सेस ऑफ द वॉटर को, ये मेनली टू प्रोसेस से देखा गया। मीन्स की किडनी है इसका जो रेगुलेटरी रोल है मेनली टू प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है, क्या तो क्या करवा दो, इंक्रीज हो जाए यहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर। मेनली दो प्रोसेस है जिसके थ्रू इसका क्या हो रहा है, रेगुलेशन या फिर रेगुलेटेड रोल ऑफ द किडनी बाय टू प्रोसेस। फर्स्ट इज द इंक्रीज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड प्रोसेस है डिक्रीज ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वॉटर, डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर। क्लियर। मेनली टू प्रोसेस के थ्रू इसका रेगुलेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें इंक्रीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर। इंक्रीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फर्स्ट प्रोसेस यहां पे कौन सा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इंक्रीज। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें तो आपको पता है ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल कप लाइक। क्लियर। एफेंट आर्टर, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड दिस इज द एफेंट आर्टर, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एफेंट आर्टर से ब्लड आएगा, ठीक है, एफेंट आर्टर है, कैपिलरी में डिवाइड हो रहा है, क्या बना के जा रहा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज वापस रिजॉइन करके क्या बना के जा रहा है, एफेंट आर्टर। क्लियर। दिस इज द एफेंट आर्टर। तो आपको पता है कि जो फिल्ट्रेशन है वो मेनली कहां से हो रहा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से इस बोमेन कैप्सूल में। क्लियर। इसी प्रोसेस को तो हमने क्या बोलता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लेकिन जिस प्रेशर की वजह से हो रहा है उस प्रेशर को हमने क्या बताया था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। एक प्रेशर के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसको हमने क्या बताया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो मेनली कितना था, 10 mmHg, 10 mmHg। क्लियर। अब यदि यहां पे वॉटर है वो क्या हो, ज्यादा है, यदि हम एक्सेस ऑफ द वॉटर इनटेक करें तो उसके लिए फर्स्ट प्रोसेस क्या है, इंक्रीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यदि ज्यादा वॉटर इनटेक होगा तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, ज्यादा। क्लियर। यदि ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो भी क्या हो रहा है, ज्यादा, इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन एफरेंट आर्टर, एफरेंट आर्टर। एक बार इसके बारे में हम रिवाइज करते हैं। हमें पता है एफरेंट आर्टर के अंदर जो ब्लड है उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो कितना था, 16 mmHg। क्लियर। लेकिन कुछ रेजिस्टेंट प्रेशर भी थे
जो क्या कर रहे थे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को रेजिस्टेंट कर रहे थे, उनका मेनली प्रेशर कितना था 50 mmHg। रेजिस्टेंट प्रेशर है वो कितना था 50 mmHg। क्लियर। अब जब हमने सब्सट्रैक्ट करवाया 50 - 60 तो हमारे पास जो प्रेशर आया था वो कितना था 10 mmHg। लेकिन यदि यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए, 60 - 50 आपने किया तो यहाँ पे जो प्रेशर था वो कितना था 10 mmHg। क्लियर। अब यदि यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए तो जैसे कि पहले कितना था 60 था, अब ये इंक्रीज होके कितना हो गया 80 mmHg हो गया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द एफ्रेंट आटो। बट रेजिस्टेंट प्रेशर अभी भी कितना है 50 mmHg। तो अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी क्या होगा इंक्रीज आ जाएगा, मीन्स की 80 - 50 तो कितना आ रहा है यहाँ पे 30 mmHg। क्लियर। एक बार वापस देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो मेनली कितना है 10 mmHg, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो कितना है 60 mmHg, कुछ रेजिस्टेंट प्रेशर है वो कितने थे 50। जब आपने इसको सब्सट्रैक्ट किया 60 - 50 तो कितना आया 10 mmHg। लेकिन यदि यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए कितना होगा यहाँ पे 80 mmHg, लेकिन रेजिस्टेंट प्रेशर अभी भी कितना है 50 mmHg। तो जैसे ही आपने 80 में से माइनस किया 50 तो कितना आया 30 mmHg, मीन्स की यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी क्या हो रहा है ज्यादा, मीन्स की जैसे इंक्रीज होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो इंक्रीज क्या होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो भी क्या हुआ इंक्रीज। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी क्या हो रहा है ज्यादा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है 125 ml, तो इससे ये क्या हो जाएगा ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर क्या लग रहा है ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा फिल्ट्रेशन। क्लियर। जिसकी वजह से जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो भी क्या हो जाएगा ज्यादा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, दिस इज द नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ये भी क्या हो रहा है इंक्रीज। इंक्रीज होगा तो ज्यादा से ज्यादा वॉटर है वो क्या होगा एस्क्रिएट होगा इन द यूरिन, मोर वॉटर गोज आउट इन द यूरिन, तो जो यूरिन है वो क्या ऐसा हो जाएगा यहाँ पे बिकम हाइपोटोनिक। क्लियर। वापिस एक बार देखते हैं, यदि ब्लड है सॉरी बोतल है वो ज्यादा इनटेक होगा तो ब्लड वॉल्यूम भी क्या होगा ज्यादा, ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो भी क्या हो रहा है इंक्रीज। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो भी क्या हो रहा है ज्यादा, उसके ज्यादा होने की वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी क्या हो जाएगा ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा फिल्ट्रेशन होगा। ये फिल्ट्रेशन कहाँ पे आएगा इस बोमेन कैप्सूल में जिसको हमने क्या बताया था नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्लियर। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो भी क्या होगा ज्यादा, ज्यादा होने की वजह से जो वॉटर है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यूरिन में एस्क्रेट होगा, तो जो यूरिन है वो कैसा हो जाएगा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मीन्स की यहाँ पे वॉटर के अमाउंट क्या है ज्यादा और जो सोल्यूट है उसके अमाउंट क्या है कम। क्लियर। अब हम सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं जब वॉटर क्या हो रहा है एक्सेस में इनटेक हो रहा है। सेकंड जो प्रोसेस है वो क्या है डिक्रीज री एब्जॉर्प्शन। क्लियर। ये कौन सी सिचुएशन की बात हो रही है जब वॉटर क्या है एक्सेस में इनटेक हो। क्लियर। सेकंड प्रोसेस हमने क्या बताया डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन। आपको पता है मेनली जो पीसीटी है और कोलेक्टिंग डक्ट है वहां से क्या होता है वॉटर का रीअब्जॉर्प्शन किसके कंट्रोल में एंटी डायबिटिक हॉर्मोन के कंट्रोल में, मेनली एंटी डायबिटिक हॉर्मोन के कंट्रोल में कहां पे रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी एंड कोलेक्टिंग डक्ट। क्लियर। एंटी डायबिटिक हॉर्मोन की बात करें तो जो एंटी डायबिटिक हॉर्मोन है
वो सीक्रेट कहां पे होता है, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, सीक्रेट बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस से एंटी डायबिटिक हॉर्मोन कहां पे ट्रांसपोर्ट होगा, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड वहां पे क्या होगा, स्टोर होगा, और वहीं से क्या होगा, रिलीज। सीक्रेट कहां से हुआ, हाइपोथैलेमस से, लेकिन जो रिलीज है वो कहां से हो रहा है, बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर। अब क्या हुआ, सबसे पहले वोटेड है वो क्या है, ज्यादा इंटेक हो रहा है, सेकंड प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे वोटेड है वो क्या होगा, इंक्रीज इंटेक होगा, तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या होगा, ज्यादा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। क्लियर। ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से एंटी डायबिटिक हॉर्मोन है वो क्या हो जाएगा, कम रिलीज होगा बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, डिक्रीज रिलीज ऑफ एंटी डायबिटिक हॉर्मोन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर। यदि यहाँ पे रिलीज कम हो रहा है तो जो पीसीटी और जो कोलेक्टिंग डक्ट है वहां से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वॉटर है उसका भी क्या होगा, कम, डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर बाय पीसीटी एंड कोलेक्टिंग डक्ट। क्लियर। मीन्स की जो वॉटर है वो कहां पे प्रेजेंट होगा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, दिस इज द बोमेस कैप्सूल, एफरेंट आर्ट्यूल, कैपलरीज, इफरेंट आर्ट्यूल। यहां पे ये क्या है, ग्लोमेरुलर कैपलरीज। क्लियर। दिस इज द नेफ्रिक फिल्ट्रेट। डन। अब यदि यहां पे कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर वॉटर है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, यूरिन है उसके थ्रू वॉटर है उसका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। मींस कि ज्यादा से ज्यादा वॉटर है वो क्या होगा, एस्क्रेट आउट होगा इन द यूरिन। तो जो यूरिन है वो कैसा हो जाएगा, बिकम हाइपोटोनिक, मोर वॉटर एलिमिनेट इन यूरिन, दैट इज यूरिन बिकम हाइपोटोनिक। क्लियर। दिस इज द सिचुएशन नंबर फर्स्ट। बट यदि वॉटर कोई पर्सन इनटेक ज्यादा कर रहा है या फिर किसी पर्सन में वॉटर की डेफिशिएंसी है तो वो कैसे बॉडी को पता चला कि भाई अब पानी की डेफिशिएंसी हो गई है या फिर ज्यादा हुई है, तो वो किसकी वजह से होता है, रिसेप्टर की वजह से। तो जो हाइपोथैलेमस है, दिस इज द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। क्लियर। इसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, दिस इज द रिसेप्टर जिसका नाम क्या है, ओस्मो रिसेप्टर। क्लियर। इन रिसेप्टर का काम क्या होता है, ये टलगाना कि बॉडी के अंदर वॉटर है वो क्या है, ज्यादा है या फिर कम है। यदि ज्यादा हुआ तो वो दो प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा, फर्स्ट प्रोसेस क्या करवा दे, अल्ट्राफिल्ट्रेशन को इंक्रीज करवा दे, तो भी जो यूरिन है वो कैसा हुआ, हाइपोटोनिक, या फिर जो रीअब्जॉर्प्शन है वो भी क्या करवा दे, कम करवा दे, तो भी यूरिन कैसे एस्क्रेट होगा, हाइपोटोनिक। अब जो सेकंड जो प्रोसेस है या जो सेकंड जो सिचुएशन है जहां पे वॉटर इंटेक क्या हो जाए, कम हो जाए, तो किडनी अपना कैसे रोल प्ले कर रही है ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर। दिस इज अबाउट द एक्सेस ऑफ द वॉटर इंटेक, देन हाउ द किडनी मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन। क्लियर। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।